एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं 10th और 12th के, और मैं समझ सकता हूँ कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक नर्वसनेस होती है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। तो मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको आज देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे और साथ साथ एग्ज़ाम को अच्छे से करने में आपकी मदद भी करेंगे। तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है। तो करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। तो टाइम पे सेंटर पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। CBSE का एक सर्कुलर है जिसके हिसाब से हर बच्चा, जो भी बच्चा CBSE एग्ज़ाम पे एक मिनट भी लेट होगा उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि 10 बजे का मतलब है कि 10 AM शार्प आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को वो सही टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँचाए और 9:30 साढ़े 9 बजे का एम करें कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे सब लोग पहुंच जाएं, नंबर वन। नंबर टू जो है रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों को पेरेंट्स अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट स्कूटी या बाइक यूज़ ना करने दें। एज ए डॉक्टर मैं देखता हूँ कई बार कि जो बच्चे एंग्जाइटी में चलाते हैं कई बार स्कूटी या बाइक, तो एक्सीडेंट्स भी कई बार हो जाते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड। एग्ज़ाम भी ख़राब होता है लेकिन कई बार बच्चों की जो है चोट भी लग जाती है उनको। तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ड्रॉप करें सेंटर्स पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में। तीसरी चीज़ है कि बच्चों अभी आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, काफ़ी कोर्स कंप्लीट भी आपका हो गया, रिवीजन भी हो गया होगा, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पीछे ना पढ़ के रिलैक्स करने की कोशिश करें ताकि आप एक गुड मेंटल फ्रेम में एग्ज़ाम दे सकें। तो उसके लिए आपको रात में तनाव रहित एक नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। तो पूरी नाइट की कंप्लीट स्लीप आप लें। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दें, ऐसा माहौल दें कि घर पे वो सो पाएं। टीवी और बाकी चीज़ें ऐसी जो बहुत आवाज़ें करती हैं उसको थोड़ा कम करें। तो एक अच्छी गुड नाइट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अच्छे स्वस्थ मस्तिष्क के लिए जब आप एग्ज़ाम देने पहुँचें। फिर साथ में क्या है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो अपने जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं या जो आपके अपने ट्राउजर्स हैं, जो भी ड्रेस पहन के जाते हैं, मेक श्योर कि उसमें कोई भी कागज या कोई भी पेपर उसमें ना हो। आप CBSE बोर्ड इज टेकिंग एंटी कॉपिंग मेजर्स इन अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट वे। तो कोई भी ऐसी चीज अगर आपके पास से निकल जाती है कि जो उनको लगता है कि आप अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका रेस्टिकेशन भी हो सकता है और आपका एग्जाम भी रद्द किया जा सकता है। तो चाहे वो चीज़ भूल से आपके पास क्यों ना गई हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज़ आप कैरी ना करें कि जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है। अगली चीज़ है कि आपको अच्छा हाइड्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन क्या है कि यू नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो बच्चे जिस समय आप लोग जो हैं तनाव में होते हैं, जब टेंशन में होते हैं, तो बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है कि ड्राइनेस बॉडी में आ जाती है। तो अच्छा खाना और अच्छा जो है पानी पीना, एक कोई भी अच्छे लिक्विड्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो लिक्विड्स लें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये रखने वाली है कि कई बार टेंशन की वजह से बॉडी की जो एक रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोध क्षमता, वो भी कम हो जाती है। तो उसके लिए अगर लगता है कि आपको इन्फेक्शन के कोई चांसेस लग रहे हैं, खास तौर पे इस समय जो चेंजिंग वेदर है उसमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन है बच्चों में, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अगर लगता है आपको कि कोई भी ऐसे इन्फेक्शन के साइंस हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और वो लोग एंटीबायोटिक्स या कोई भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देंगे जिससे कि आपको फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रखनी, याद रखनी। नेक्स्ट जो है मैं बताता हूँ कुछ टिप्स आपकी कि एग्जाम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो एग्जाम की ड्यूरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी नंबर वन है कि आपको अपना टाइम मालूम होना चाहिए। तो हर एक बच्चा एक घड़ी कैरी करनी चाहिए आपको, या तो डिजिटल क्लॉक हो या फिर अपनी छोटी रिस्ट वॉच हो। तो किसी भी तरह की एक घड़ी आप ले जाएं वहाँ पे और उसको अपने डेस्क पे रखें ताकि आपको मालूम है कि कितना टाइम आपको मिला है पूरा। तो वो टाइम आपको देखना ज़रूरी है, और फिर उस टाइम के साथ साथ आपको उस टाइम को क्वेश्चंस में डिवाइड करना है कि कितने मार्क्स के लिए कितना टाइम आप देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही आप टाइम स्टार्ट करते हैं, फिर आप सबसे पहला काम करेंगे कि अपना पेपर पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ क्या है एग्ज़ाम में जाती है, आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसको अच्छे से पढ़ें, जल्दी जल्दी देखें ध्यान से, और आपको डिवाइड ये करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स वाला है उसको आप ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा लंबा आंसर देंगे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं छोड़ने वो भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन बाद के लिए आप रखेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है जिसमें कम मार्क्स आते हैं,
तो वो आपके लिए आपका रिजल्ट खराब नहीं करेगा। तो लंबे क्वेश्चंस, जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, उनको अच्छे से लिखें, और छोटे कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ दें। अब बच्चों होता क्या है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन को सबसे पहली चीज़ है, किसी भी क्वेश्चन को आंसर देने से पहले आपको उसको समझना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि टीचर पूछना क्या चाहता है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या डू और डू नॉट की वजह से आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट ना करें। अगर क्वेश्चन का मतलब ही गलत निकाल लिया आपने तो उसका आंसर तो आप गलत देंगे ही देंगे और उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और तब उसका आंसर फ्रेम करें। फिर जब आंसर फ्रेम करने की बात आती है तो उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ आज ट्रेड की, कि आपको जो अपने क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आंसर करने हैं। तो सबसे पहले आप जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर वन और उसका जो भी पार्ट होगा ब्रैकेट में उसका ए लिख देंगे। तो ये आपका टॉप में आना चाहिए ताकि टीचर को ढूंढने में दिक्कत ना हो, आसानी रहे कि क्या क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, किसी भी क्वेश्चन को जब आंसर करते हैं तो उसके आपके चार पार्ट होते हैं। सबसे पहली होती है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप क्या लिखेंगे मैं बताता हूं। बैकग्राउंड, फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपकी मेन बॉडी, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो बच्चों ये चार पार्ट हमें किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए ये चार पार्ट हमें मिनिमम रखने होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले बैकग्राउंड होगा, सेकंड पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, और जो थर्ड पार्ट है वो आपका मेन बॉडी होगी जिसमें आप आंसर देंगे, और लास्ट पार्ट आपका होता है कंक्लूजन। तो बच्चों ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यहां पे आपको हेडिंग्स नहीं डालनी है, लिखना नहीं है कि बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स या कोई और हेडिंग, आपको ये हेडिंग मन में रखनी है, लेकिन इस हेडिंग के हिसाब से ये आपका क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कहां से आता है किसी क्वेश्चन का? बैकग्राउंड में किसी भी आंसर में बैकग्राउंड को बेसिकली आपको कैसे बनाना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिर्फ उसी की लैंग्वेज में आप घुमा के लिख दें तो वो बैकग्राउंड बन जाता है आपका। तो बैकग्राउंड क्या चीज है? अगर आपसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगर आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन में आंसर ये देना है, तो उसको आप घुमा फिरा के लिख दें तो वो बैकग्राउंड बन जाएगा। उससे टीचर को समझ में आ जाता है कि बच्चा सही बोलने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स में आप 1, 2, 3, 4 करके भी लिख सकते हैं, और पूरा वो भी लिख सकते हैं कि आप किस तरीके से आंसर दे रहे हैं, क्या क्या चीजें बताना चाह रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और मेन बॉडी में आप पूरा आंसर अपना लिखेंगे, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि आपने अपने आंसर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। तो ये चार पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन के बनाने हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, हर एक आंसर में आपको फिगर्स बनानी है। जो भी फिगर्स हैं आपको वो जरूर बनानी है, और उन फिगर्स में आपको दिखाना है लेबल करके कि क्या फिगर है, फिगर वन, इस फिगर में क्या दिखाया है। जब आप डायग्राम्स बनाएंगे तो टीचर आपका कॉपी पे रुकेगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देने की स्थिति में रहेगा। फिर तीसरी चीज क्या है बच्चों, आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स यूज करने पड़ेंगे। फ्लो चार्ट समझते हैं? फ्लो चार्ट्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन जो है, आपकी जानकारी को आप एक बॉक्सेस में प्रेजेंट करते हैं और उन बॉक्सेस के बीच में एरो लगा देते हैं। इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, और जो टीचर्स होते हैं उनको एक क्लैरिटी आ जाती है कि बच्चे को चीज सबसे पूरा सब्जेक्ट समझ में आता है। तो फ्लो चार्ट्स का यूज करें, डिफरेंट कलर्स का यूज करें, तो बहुत सारे कलर्स के पेंस यूज करें, जो कलर्स अलाउड नहीं है, जैसे कि रेड कलर शायद अलाउड नहीं होता है बोर्ड में, तो रेड कलर ना यूज करें, लेकिन बाकी कलर्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको ईयर्स और डेट्स याद रखनी होती हैं। तो अगर आपका जो भी एग्जाम है, चाहे साइंस का एग्जाम है, चाहे हिस्ट्री का एग्जाम है या ज्योग्राफी का है, आपको डेट्स या ईयर्स लिखने होते हैं, और लिखने के बाद उसको आपको जो भी ईयर लिखेंगे आप, 1957, उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो अंडरलाइन करने से क्या होगा, टीचर को वो चीज दिखेगी कि बच्चे को ये जानकारी है। Years, dates are very important. अगली चीज क्या है जो आपको याद रखनी है, कि आपकी हैंडराइटिंग, जो आपकी हैंडराइटिंग है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडराइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आपको रनिंग लेटर्स का यूज कम करना चाहिए और हाथ से उठा उठा के लिखना चाहिए, जिससे कि टीचर जो लिखा है आपने वो अच्छे से उसको पढ़ सके। तो बच्चों अगर इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छे ग्रेड से आप पास होंगे। विद दीज वर्ड्स आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सभी बच्चों के लिए।